हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके लिए बाज और उसके मित्र की एक बड़ी ही दिलचस्प स्टोरी लेकर आए हैं, जिससे हमें अपने जीवन में बड़ी सीख मिलती है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आता है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द होक एंड हिज फ्रेंड्स, बाज और उसके मित्र। अ यंग होक लिव्ड ऑन अ ट्री नियर अ लेक। अ यंग होक एक युवा बाज लिव्ड रहता था ऑन अ ट्री एक पेड़ पर, नियर अ लेक एक झील के पास या किसी झील के पास। एक युवा बाज किसी झील के पास एक पेड़ पर रहता था। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग हुई है, इसलिए यह सेंटेंस पास्ट इनडेफिनिट टेंस का है। वन डे एक दिन ही सेड टू अ फीमेल हॉक। एक दिन ही सेड उसने कहा टू अ फीमेल हॉक एक मादा बाज से। एक दिन उसने एक मादा बाज से कहा, डियर प्रिय आई वॉन्ट टू मैरी यू। मैं वॉन्ट चाहता हूँ, टू मैरी यू तुमसे शादी करना। प्रिय मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। द फीमेल हॉक asked him to first make a friend. The female hawk, मादा बाज ने asked him, उससे कहा, to first पहले, to make बनाए बनाना, a friend दोस्त बनाने के लिए कहा। अर्थात मादा बाज ने उससे कहा कि पहले एक दोस्त बनाओ या पहले कोई दोस्त बनाओ। मादाबाज ने उससे कहा कि पहले कोई दोस्त बनाओ। द होक अप्रोच्ड अ लॉयन हु अग्रीड टू बी हिज फ्रेंड। द होक अप्रोच्ड बाज अप्रोच पहुंचा अ लॉयन। बाज एक शेर के पास पहुंचा, हु अग्रीड जो सहमत हो गया टू बी हिज फ्रेंड उसका दोस्त बनने के लिए। बाज एक शेर के पास पहुंचा जो उसका दोस्त बनने के लिए सहमत हो गया। देन फिर द टू होक्स गोट मैरिड। फिर दोनों बाजों ने गोट मैरिड शादी कर ली। एंड सून और जल्द ही शीघ्र ही हैड सम बेबीज। यहाँ पर हैड हैव की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इनडेफिनिट टेंस है। सून हैड सम बेबीज, जल्द ही कुछ बच्चे हो गए। वंस एक बार टू हंटर्स came with the intention of catching the birds living on that tree. एक बार two hunters दो शिकारी आए with the intention इरादे से। intention इरादा, with यहाँ पर preposition है, with the intention इरादे से of catching पकड़ने के the birds पक्षियों को living on that tree। लिविंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, रहने वाले ऑन दैट ट्री उस पेड़ पर। एक बार दो शिकारी उस पेड़ पर रहने वाले पक्षियों को पकड़ने के इरादे से आए। सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म है, पास्ट इनडेफिनिट टेंस है। द पेरेंट हॉक्स माता पिता बाज गोट वरिड
चिंतित हो गए अबाउट द सेफ्टी ऑफ देयर बेबीज, अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में। अर्थात माता पिता बाज अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर, इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, अबाउट द सेफ्टी, सुरक्षा को लेकर, ऑफ देयर बेबीज, अपने बच्चों की। माता पिता बाज अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए। द फीमेल हॉक सेंट हर हस्बैंड टू सीक हिज फ्रेंड्स हेल्प, मादा बाज ने सेंट भेजा, सेंट सेंट की सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मादा बाज ने भेजा हर हस्बैंड अपने पति को टू सीक हिज फ्रेंड्स हेल्प, अपने मित्र की मदद तलाश करने या मदद मांगने के लिए। टू सीक हेल्प, मदद तलाश करने के लिए या मदद मांगने के लिए। माता बाज ने अपने पति को अपने मित्र की मदद तलाश करने के लिए भेजा। द होक कॉल्ड द लायन हु रोर्ड लाउडली, द होक बाज ने कॉल्ड द लायन, शेर को बुला लिया, हु रोर्ड लाउडली, हु जो रोर्ड दहाड़ा लाउडली जोर से, जो जोर से दहाड़ा। When the hunters saw a huge lion coming towards them, they ran away. When जब the hunters शिकारियों ने saw देखा a huge lion एक विशाल शेर को coming आते हुए towards them उनकी ओर अर्थात अपनी ओर, जब शिकारियों ने एक विशाल शेर को अपनी ओर आते हुए देखा, वैन के साथ जब कॉमा प्रयोग होता है तो उसका अर्थ होता है तो दे रैन अवे, तो वे भाग गए, रैन अवे, रन अवे की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इनडेफिनिट टेंस। नाउ अब द होक अंडरस्टूड The value of a friend. अब बाज understood, समझ गया, understand की second form है, The value of a friend, एक मित्र की कीमत। अब बाज एक मित्र की कीमत समझ गया था या समझ गया। Moral of the story, a friend in need, ज़रूरत में, a friend एक मित्र, अर्थात ज़रूरत में काम आने वाला एक मित्र, is a friend indeed, एक मित्र होता है indeed वास्तव में, ऐसा मित्र जो ज़रूरत में काम आता है वास्तव में वही मित्र होता है, ये एक प्रोवर्ब है, अर्थात मुसीबत में काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है।